हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है इंदर और आप देख रहे हो टेक्निकल इंदर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे रीज़न की जिनकी वजह से आपको एप्पल का आईफोन XR परचेज नहीं करना है। क्या बोला मैंने? एप्पल का जो बजट आईफोन है XR वो परचेज नहीं करना है। ऐसे कौन से रीज़न है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। सबसे पहले तो मैं इसकी खास बात आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें खास क्या मिलेगा। वो इसका प्रोसेसर, इसमें आपको मिलता है 8 वाइनिक चिप जो 7 नैनोमीटर पर बनी है और काफ़ी पावरफुल है और परफॉर्मेंस की बहुत धक्कड़ वाली होने वाली, तो मतलब ये इसकी खास बात है। उसके बाद जो कमियां हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जो फर्स्ट है वो है इसकी डिस्प्ले। इसमें आपको मिलती है 6.1 इंच की LCD डिस्प्ले, OLED नहीं है, LCD, जिसको एप्पल बोलता है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, नॉच वाली। और नॉच देखें तो पोको फोन की तरह दी है, सेम 6.1 इंच की LCD। और जो सेकंड बात है वो है स्क्रीन रेजोल्यूशन। इसमें आपको मिलता है 828x1792 का जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन 326 PPI के साथ। यार इतना स्क्रीन रेजोल्यूशन तो हमें 10,000 के फ़ोन में भी देखने को मिल जाता है 2018 की बात करें तो, पर एप्पल वाले है भाई, नहीं मानेंगे। उसके बाद कैमरा, जो मेन हाईलाइट जो फ़ोन की होती है कैमरा, आपको बैक में सिंगल ही कैमरा मिलता है f1.8 अपर्चर के साथ। एप्पल वाले बोलते हैं कि हमने इसमें सारे मोड जितने भी है वो सारे ठोक ठोक के दे दिए, पोर्ट्रेट मोड, डेप्थ मोड, ब्यूटी मोड जो भी है सारे वो लगा दिए हमने इसमें। और जो खरीदने वाला हो वो तो चूतिया ही होगा फिर। नहीं भाई, जो सोच रहे हो उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब मैं तो ऐसे बता रहा हूँ एप्पल वालों के लिए। उसके बाद इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, वो तो आईफोन 10 से भी हटा दिया था, अब इसमें भी। अब तो कुछ एक लोग हैं बेचारे जो फिंगरप्रिंट से ही अपने फ़ोन को अनलॉक करने की सोचते हैं, बट इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आपको इसमें मिलता है, इतना महंगा फ़ोन है उसके बाद भी स्लो चार्जर, कितने वाट का, 5 वाट का। एप्पल क्या बोलता है, बहुत बड़ा चार्जर है और आपका फ़ोन कितने में, 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा। वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि 50% होगा या उससे कम या ज़्यादा होगा। और उसके बाद 3.5 mm ऑडियो जैक आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, जो आपको एप्पल आईफोन 10 में तो हटा दिया था। अब किसी ने सोचा था कि यार हाँ जो बजट आईफोन आएगा उसमें तो शायद होगा, बट इसमें भी आपको 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। और एक और बुरी बात, जो डोंगल जो साथ में मिलता था ना वो भी अब आपको डब्बे में नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। एप्पल वाले बोलते हैं भाई हम तो पैसा ही कमाएंगे, अब कितना पैसा कमाएंगे, इंडिया वालों को लूट लेंगे बस से। उसके बाद जो इसका मेन जो है वो है इसका प्राइस कितना रखा है, 76,900 रुपये 20 वेरियंट का, 3 GB RAM, 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले। यार बोला क्या था, बजट आईफोन। यार 76,900 रुपये में बजट आईफोन, कुछ मज़ा नहीं आया। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ जो मैंने इसमें कमियां निकाली थी, वो जो मेरे को लगी थी वो मैंने आपको बता दी। अगर उसके बाद भी आप इस आईफोन को परचेज़ करने की सोच रहे हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और साथ में शेयर कर दें। अगर कुछ आप मेरे प्रति बोलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें और साथ ही साथ मेरे चैनल टेक्निकल इंदर को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।